अस्सलाम वालेकुम जी, आज जो हम प्रोसीजर करने लगे हैं वो इंट्रा लीजनल इंजेक्शन इन एक्नी क्यूलेटालिस नुकी। एक्नी क्यूलेटालिस नुकी में क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स का इन्फ्लामेशन होता है, यहाँ पे फॉलिकुलाइटिस डेवलप हो जाता है और ड्यू टू कॉन्स्टेंट इरिटेशन यहाँ पे जो फॉलिकल्स होते हैं वो बॉगी हो जाते हैं और यहाँ पे स्किन जो होती है वेरी हार्ड हो जाती है। कॉज ऑफ एक्नी क्यूलेटालिस नुकी इज नॉट नोन। क्या होता है, समटाइम वेरी इरिटेटिव स्किन ड्यू टू ट्रामा, लाइक जो लोग बहुत ज्यादा हेलमेट पहनते हैं इरिटेशन होती है, या बहुत ज्यादा क्लोज शेव करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन डेवलप होती है हेयर फॉलिकल्स में और एक्नी क्यूलेटालिस नुकी डेवलप हो जाती है। हम क्या इनको ट्रीटमेंट देंगे, इनमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इंजेक्ट करेंगे, इसके अलावा टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे और इनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इन्होंने जो ऐसी कंडीशन जिसमें कि बहुत ज्यादा इरिटेशन हो उनको अवॉइड करना है और शेविंग के लिए यहाँ पे जो होता है शेवर यूज करना है, जो ब्लेड्स हैं उनको नहीं यूज करना। अभी मैं इनको इंजेक्ट करने लगा हूँ और ये हम मंथली बेसिस पे इंजेक्ट करेंगे जब तक ये इन्फ्लेमेशन सेटल नहीं होती। ये आप देख रहे हैं कि ये फॉलिकल्स में नड्यूज डेवलप हो गए हैं और हम इनको ये इंजेक्ट कर रहे हैं। इंट्रालीजनल इंजेक्शन से ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो रहा है और हम इसको रिपीट करेंगे ऑन मंथली इंटरवल। आज ये इनका पहला सेशन कंप्लीट हो गया है और इनको हम आफ्टर अ मंथ पीरियड बुलाएंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।